वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम बात करेंगे डू एंड डस के बारे में। आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में देखा होगा कि डू एंड डस का यूज़ होता है। सो हम आपको इसकी इजी ट्रिक बताएंगे कि आपको डू एंड डस का यूज़ कहाँ और किसके साथ करना है। मोस्टली क्या होता है, जब भी स्टूडेंट्स को ग्रामर में सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो वो डू एंड डस के यूज़ में हमेशा कन्फ्यूज होते हैं। सो वो समझ नहीं पाते हैं कि डू का यूज़ कहाँ करना है एंड डस का यूज़ कहाँ करना है। मोस्टली डू के जहाँ पर डू का यूज़ करना होता है वहाँ पर हम डस का यूज़ कर देते हैं, और जहाँ हमें डस का यूज़ करना होता है वहाँ हम डू का यूज़ कर लेते हैं। सो इस ट्रिक से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ और कैसे हमें डू एंड डस का यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं डू के बारे में। ये रहा आपका डू। सिंपली है, आपको इसको गेट करना है। डू के जो होते हैं कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? एक तो है आई, एक है यू, एक है वी और एक रहा दे। आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है कि डू के कितने फ्रेंड्स होते हैं। डू के फोर फ्रेंड्स होते हैं, कौन कौन से? आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे। तो आपको जब भी किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट नज़र आते हैं, जहाँ पर आपको आए नज़र आया, यू आया या फिर वी या फिर दे, तो आप सिंपली समझ जाएं कि आपको वहाँ पर डू का यूज़ करना है। डू का यूज़ करना है, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में अपनी बताया था, नेगेटिव सेंटेंस में जब भी हम बनाते हैं डू एंड डस का यूज़ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में नेगेटिव का यूज़ बताया था, तो आप उसमें समझ गए थे कि डू का यूज़ हमने कहाँ किया था। आज हम आपको इसके इंटेरोगेटिव बताएंगे। अगर हमें किसी से कंफर्म करना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो हम किस तरह से पूछ सकते हैं? इसके लिए सिंपली सी बात होती है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि जब भी हमें किसी से कंफर्म करना होता है तो बाहर आता है। सपोज़ मुझे सेकंड पर्सन से, मींस यू से कुछ भी कंफर्म करना है, तो हमारा जो डू है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट जो भी होता है। सपोज़ मैं आपसे पूछती हूँ कि कोई भी आपका पर्टिकुलर फेवरेट सीरियल है या फिर कोई मूवी है या फिर कोई स्पेशल ऐसी कोई आपकी फेवरेट जगह है जो आप विज़िट करते हो या नहीं। तो जैसे मैंने कहा, मोस्टली क्या होता है, समर्स में लोगों को हिल स्टेशंस विज़िट करना पसंद होते हैं। तो मैंने सामने वाले से कंफर्म किया, क्या आप हिल स्टेशन विज़िट करते हो? तो किस तरह से मैं पूछूंगी, पहले मेरा हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, देन सब्जेक्ट यू, देन वर्ब विथ फर्स्ट फॉर्म डू यू विजिट हिल स्टेशन। ओके, डू यू विजिट हिल स्टेशन? जो करते हैं वो कहेंगे येस ऑफ कोर्स आई विजिट, जो नहीं करते हैं नो आई डू नॉट विजिट हिल स्टेशन। बस सिंपली आपको ऐसे ही आंसर देना है। अब जैसे कि कोई और है, कोई स्ट्रेंजर आपसे मिला है, आप उनके बारे में ठीक से नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, तो सपोज़ आपने पूछा क्या आप जॉब करते हो, तो आप क्या कहेंगे? सिंपली डू यू डू द जॉब, डू यू डू द जॉब। अब देखिए, यहाँ पर हमारा डू दो बार आया है, ठीक है? तो इसमें ये डू जो था हमारा वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू द जॉब है हमारा वर्ब। ये कोई एक्शन है, ये आपका वर्ब है जॉब करना, इसलिए ये डू हमारा टू टाइम्स यूज़ हुआ। सो डू यू डू द जॉब, अगर आप करते हैं तो येस ऑफ कोर्स आई डू द जॉब, नहीं करते हैं नो आई डू नॉट डू द जॉब। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे आप, उसमें भी आपका डू दो बार यूज़ होगा, जिसमें एक डू नॉट नॉट के साथ यूज़ होगा और सेकंड रहेगा आपका वर्ब नो आई डू नॉट डू द जॉब। अब बात करते हैं हम दे के बारे में। सपोज़ बहुत सारे लोग हैं, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, तो आपने सिबलिंग्स को जो है अलग अलग काउंट नहीं किया, डायरेक्टली पूछ लिया क्या वे सारे जॉब करते हैं, क्या वे जो हैं आपके जो सिबलिंग्स हैं वो स्टडी करते हैं। तो वहाँ पर हमने सिबलिंग्स का यूज़ ना करके दे का यूज़ कर लिया। तो जैसे मैंने कहा, अच्छा तो आपकी फैमिली में इतने लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, क्या वो जो हैं स्टडी करते हैं?
तो हमने कंफर्म किया डू दे स्टडी, डू दे स्टडी। अब दे कौन है, हमारे सिबलिंग्स है वो हमें अच्छे से पता है, इसलिए हमने डायरेक्टली सिबलिंग्स का यूज़ ना करके हमने वहाँ दे का यूज़ कर लिया, डू दे स्टडी। तो आपने कहा यस ऑफ कोर्स दे स्टडी, अगर नहीं करते नो दे डू नॉट स्टडी बट दे डू द जॉब, वो स्टडी नहीं करते हैं लेकिन वो जॉब करते हैं। एंड इसी तरीके से जब बात होती है हमारे आई एंड वी की, तो आई और वी के साथ कभी भी क्वेश्चंस किया नहीं जाता है, बहुत ही कम ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां हम करते हैं, या फिर कोई फनियर सिचुएशन होती है तब हम कर लेते हैं इसका यूज़, और या फिर कभी कोई हैरानी की बात होती है तब भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसका यूज़ जो होता है वो इंटरोगेटिव में नहीं होता है, सिंपली आंसर देने में आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नेगेटिव आंसर देना होता है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये डू अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे डस के बारे में। गाइस ये रहा आपका डस। अब डस के कौन कौन फ्रेंड्स होते हैं, ही शी इट या फिर किसी का नेम। अब ये इसके फोर फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके फ्रेंड्स होते हैं। अगर बात चलती है आपकी मॉम की तो वो भी डस की फ्रेंड है, बात चलती है आपके फादर की वो भी डस की फ्रेंड है, बात चलती है आपकी सिस्टर की वो भी डस की फ्रेंड है, एंड बात चलती है आपके भाई की तो वो भी आपके डस की फ्रेंड है। सो डस के साथ जब भी हम बात करते हैं हमारा सिंगुलर जो पर्सन होता है, थर्ड पर्सन जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ होता है मोस्टली। तो जब भी ही और शी की बात करेंगे वहाँ हमें डस का यूज़ करना है, ना कि डू का यूज़ करना है। जैसे कि हमने आपको इसके सिंपल सेंटेंसेस में एंड नेगेटिव में बताया था, सिंपल में एस और ई एस का यूज़ करते हैं, एंड नेगेटिव में डज नॉट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही इंटरोगेटिव जब बनाते हैं तब हम डज का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमने अभी जो बताया था डू का यूज़ उसमें डू बाहर लाए, लेकिन ही और शी की बात करते हैं तो हमारा डज पहले आता है और डू सॉरी उसके बाद में हमारा ही या फिर शी सब्जेक्ट यूज़ होता है। तो जैसे मैं कहती हूँ, मैं आपकी सिस्टर के बारे में कंफर्म कर रही हूँ कि आपकी सिस्टर को जो है पानी पूरी पसंद है, क्या वो पानी पूरी खाती हैं, तो मैं कंफर्म करूँगी डस योर सिस्टर टेक वाटर बॉल्स। आप पानी पूरी चाहें तो पानी पूरी भी बोल सकते हैं, वाटर बॉल्स चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कंफर्म किया आपकी सिस्टर के बारे में, अब बात चल रही है आपकी सिस्टर की। हमने बताया था ना जब आपकी सिस्टर की बात चलेगी तो डस का यूज़ होगा, इसीलिए यहाँ पर डस का यूज़ हुआ कि क्या आपकी बहन पानी पूरी खाती हैं, क्या उन्हें ये पसंद है। डस योर सिस्टर टेक वाटर बॉल्स, खाती हैं तो यस माई सिस्टर टेक्स, वहाँ पर आप टेक में अपना एस का यूज़ कर लेंगे, नहीं खाती हैं तो नो माई सिस्टर डज नॉट टेक वाटर बॉल्स, सिंपली है। अब बात करी जैसे मैंने आपके पापा के बारे में कि आपके पापा जो हैं क्या न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं या फिर न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो मैंने कहा डज योर फादर वॉच न्यूज़, ओके डज योर फादर वॉच न्यूज़। अब यहाँ पर बात चल रही थी फादर की, जैसे हमने आपको बताया था कि जब भी बात चलेगी फादर की वहाँ पर भी हमें डज का यूज़ करना है। सो डज योर फादर वॉच न्यूज़, क्या आपके पापा न्यूज़ देखते हैं, अगर देखते हैं तो यस ऑफ कोर्स माई फादर वॉच न्यूज़, आपका वॉच में ए एस का यूज़ हो जाएगा वॉच न्यूज़, नहीं देखते हैं तो नो माई फादर डज नॉट वॉच न्यूज़, माई फादर डज नॉट वॉच न्यूज़, सिंपली आप बता देंगे। इसी तरीके से सपोज़ मैंने आपसे बात की आपकी किसी भी फ्रेंड के बारे में, अच्छा क्या आपकी जो फ्रेंड है वो आपके घर आती है या फिर वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं या नहीं करती हैं,
तो मैं कंफर्म करना चाहूँगी, अब बात चल रही है फ्रेंड की, तो मैंने आपकी फ्रेंड के बारे में पहले पूछ लिया, अब मैंने वहाँ पर बात करते करते फ्रेंड फ्रेंड बार बार तो मैं कहूँगी नहीं, अब मैं डायरेक्टली ऐसे ही कहूँगी। अच्छा तो क्या वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं? तो वहाँ पर मैं शी का यूज़ करूँगी, अब फ्रेंड का यूज़ नहीं करूँगी, सिंपली मैंने बोल दिया। सो मैंने कहा डज शी सेलिब्रेट हर बर्थडे? डज शी सेलिब्रेट हर बर्थडे? कुछ लोग नहीं भी करते हैं सेलिब्रेट, तो कुछ लोग करते हैं, इसलिए कंफर्म किया जाता है सेलिब्रेट करते हो या नहीं करते हो, आपकी फ्रेंड करती हैं या नहीं करती हैं। सो डज शी सेलिब्रेट हर बर्थडे? तो अगर करती है, यस ऑफ कोर्स शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। नहीं करती है, नो शी डज नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे। सो अभी हम आपको एक बात और बताएं, अब हमने बात की थी ना फ्रेंड की, तो डस का एक और फ्रेंड निकला, फ्रेंड मीन्स अगर फ्रेंड की भी बात चल रही है और वो सिंगुलर है, सिर्फ एक ही पर्सन है, वहाँ पर भी आपको डस का यूज़ करना है, ना कि डू का। आई होप डू एंड डस आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इन पे आप थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से ध्यान दीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।